भाभी कई दिन वहीं से समता है ना है अपनी दाढ़ी वाले क्या माशाल्लाह जम बना आमिर खान की तरह थोड़ी हाँ टेंशन लगी थी घोड़ा ऊपर धरो घोड़ा ऊपर लेके चलाओ हाँ ये इंडिया में आदमी देखें तो कहाँ तो यार कौन में गाड़ी है लोग घोड़ा ऊपर लेके चलाओ चुनाव रही हो चुनाव नहीं है ये लो है हमारे पास तुम्हें धनिया ले लिया है कुछ तो इज्जतिया रखी है लोग सुबह सुबह सऊदी के रोडों पे दौड़ लगा रहे हैं एक ही का होगा ठीक है ना हुआ हुआ बटलिया हाँ बटलिया ही क्या कितने रास्ते जा रहे हैं उसमें कम से कम 12 तरफ को रास्ता जा रहा है इसका 12 रास्ता नाम रख दिया जाए जैसे बम्बई में 7 रास्ता ये आरटीओ ऑफिस है आपके राइट हाथ पे राइट हैंड पे आपका ये आरटीओ ऑफिस है सऊदी रियाद की ये लिखा है आप इस रोड पे गाड़ी का स्पीड पकड़ेगा कृपया यात्रियों से निवेदन है कि मुंडी बाहर ना निकाल और ये पूरा व्यवस्था लेके हम लोग चलते हैं पान देख लो पानी देख लो और गियर देख लो और मोबाइल का चार्जर देख लो और ये गाड़ी की एसी है एसी बिगड़ चुकी है इसी चलवाई में और ये है मीटर जैसा कि आप देख सकते हैं देखो ऊपर बढ़ेगा आप धीरे 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 बढ़ रहा है और फोन भी आ रहा है ड्राइवर साहब का हमारे खान की भाभी का हमारे भाभी का फोन भी आ रहा है और ये बैक साइड है अपना मैडम रो बैठती है हाँ कभी कभी हम लोग भी बैठ लेते हैं इधर और ये यहाँ की टैक्सी है ये है टैक्सी सऊदी अरब की ये शादी हाल है ये शादी हाल है आपको देख रहे हैं ये शादी हाल है ये ध्यान से देखिएगा यहाँ
की गाड़ियों की स्पीड 200 होती है, कोई कोई 220 भी भगा देता है, अपना अपना मिजाज। पानी का टैंकर जा रहा है, एक गाड़ी देख लो 220 की स्पीड में गई है अभी, और आवाज़ बहुत आ रहा है, ऐसे ख़राब हो गया है। ये कचरा ढोने वाली गाड़ी, ये कचरा की गाड़ी है, और अभी गाड़ी 120 से ऊपर चल रही है, इसके लिए आवाज़ मार रही है टू टू की। और ये 27 नंबर कुबरी पे आ गए, 25 नंबर कुबरी, कुबरी को बोलते हैं ब्रिज। समय 130-135 के स्पीड में चल रही है गाड़ी, और स्पीड है इसमें फुल स्पीड है 220। हाँ, आगे उस गाड़ी, और ये घास की गाड़ी जा रही है, गाड़ी ये बकरों के लिए, बकरी के लिए जा रही है। अभी हम हाईवे पे हैं, अभी अपने घर भी पहुंच जाएंगे, और यहाँ के पाकिस्तानी बहुत पैसा मांगते हैं काम करने के लिए। मस्जिद देख लीजिए आगे, रायझंड में मस्जिद देखिए, डबल मीनार की, डबल मीनार की मस्जिद है, ये दिखेगी नहीं शायद, ये दिख सकती है, दिख गई, ये मार्केट है बाजू में कार फोर। ये मस्जिद बहुत अच्छी है, मक्का के तरीके मस्जिद बनाई गई है, अंदर डेकोर बहुत अच्छा, और अच्छा डेकोर बना हुआ है, नमाज पढ़ा हूँ उसमें इंशाल्लाह, कभी मौका मिला तो आप लोगों को दिखाएंगे नाजरीन। ये राइट हैंड में सलाम मूल है, राइट हैंड में सलाम मूल है, बहुत बड़ा मार्केट है, अंदर हर चीज़ है, बाहर से देखने में ऐसा लगता अंदर जाओ दिमाग नहीं काम करेगा। इस ब्रिज को हम लोग क्रॉस करके राइट में टर्न लेंगे, अभी हम मक्का तरीक पे हैं, मक्का रोड पे, ये जो आप जाते हुए टैंकर देख रहे हैं, संडास का पानी का टैंकर है। और ये आगे जो टैंकर आप देख रहे हैं, ये पानी का टैंकर है, पानी पीने का टैंकर, जिसके घर में पानी नहीं रहता इधर कंपनी है, कंपनी में जाके पैसा जमा करते हैं, पर्ची कटाते हैं 108 रियाल, और ये टैंकर घर पे लाके पानी खाली करके जाते हैं। आप मार्केट देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल भी हैं यहाँ पे, ये 28 नंबर एग्जिट है हाईवे का, अब इस रूट की गाड़ियाँ सब इधर से जाएंगे, हम लोग इस वक्त अपने रेजिंग के तरफ रवाना हो रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, देखो हाईवे छोड़ के बाहर निकल चुके हैं, हाईवे ये है एग्जिट रोड पे, और हम लोग एग्जिट मार, ये मेरे आगे एक मोनट जा रही है, उसको क्रॉस करेगा, वो हाईवे पे जा रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये होटल दाबी है, एक नंबर का होटल है, इसमें दोपहर में लाइन लगाना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। अभी हमारा साइड ग्लास खुल गया है, क्योंकि गाड़ी स्लो हो गई है, यात्रियों से निवेदन है कि कष्ट के लिए खेद है। अभी हम यमीन जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं राइट, शेख इब्राहिम, इसमें हम लोग जुमा की नमाज अदा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर मस्जिद में जुमा का नमाज नहीं होता। छोटी मस्जिद है, वो 5 वक्त की मस्जिद है, इसमें भी 5 वक्त का नमाज होता है, मगर जुमा का भी नमाज। जैसे सामने मस्जिद दिख रही है, इसमें ये वक्ती मस्जिद बोलते हैं, 5 वक्त जुमे की नमाज नहीं होती। और जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, बहुत बड़ा मदरसा बना है लड़कियों का, यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ेंगी, यहाँ पे अगले साल में लड़कियाँ पढ़ेंगी,
ये हुकूमत के तरफ से ये मदरसा है। ये मदरसा बना हुआ है? अभी बन रहा है, थोड़ा काम 6 महीने का और बाकी है। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये 5 वक्त की मस्जिद है। यहाँ 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। और आप इस वक्त असलम भाई साहब के घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। टॉप टोन रेस्टोरेंट पे हम स्टॉप करेंगे, जिस यात्रियों को चाय नाश्ता करना है वो 10 मिनट के अंदर कर ले, क्योंकि गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ पहुँच जाए। अब हम लोग रूम में बैठ के कुछ टाइम बिताएंगे, गप्पे सप्पे मारेंगे, उसके बाद रवाना हो जाएंगे। ये उसके बाद खान साहब रवाना हो जाएंगे। और इसका ढक्कन कहाँ है खान साहब? आपके अंडे के पास है सारा। उधर क्या कर रहा था? इधर भाग के आ गया, इसीलिए तो परेशान। ये भी कमीना लग रहा है, चूना बहुत खाता है। पान ले लो, पान। ये हमारी गाड़ी है, आप देख सकते हैं, छोटी सी गाड़ी है। असलम भाई ड्राइवरी कर रहे थे इस समय। हाँ, रूम की भी एसी ख़राब हो गई है, गाड़ी की भी एसी ख़राब है। और ये शताब्दी एक्सप्रेस है असलम भाई साहब की, जिसको बहुत तेज़ी से दौड़ाते हैं ये रोड पे। और अब हम चल रहे हैं असलम भाई के घर पे, और लॉक खोला जा रहा है। ये चाबी लगाई गई, ये हो गया। अंदर हुए हम लोग अंदर की तरफ रवाना हो गए। और ये आप देख सकते हैं, क्या है ये? आर्टिफिशियल। इसमें शहद है। हाँ, इसमें शहद। जब कोई कस्टमर को चाहता है तो हम भर के फिर देने जाते हैं उधर। और वो बड़ी वाली पेटी भी रखी हुई है पूरा दहेज के साथ यहाँ। ये इधर हमारा किचन है, और इधर ये किचन है। हम्माम नहीं दिखाएंगे क्योंकि दरवाज़ा टूटा हुआ है। लग गया। और ये अपनी वो है भैया, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, फ्रिज जिसको बोलते हैं। बिना इस फ्रिज के हम लोग 1 मिनट नहीं रह पाते हैं। किचन में थोड़ा बहुत खाना बना रखा हुआ है। और अब आप असलम साहब के चेहरे मुबारक को देख रहे थे अभी तक, और वो कुछ फेंक रहे हैं पानी शायद। रात को सेवई बनी है और उसमें चूंटी पहुंच गई है ज़्यादा। तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन अभी आप खान साहब के चेहरे मुबारक को देखेंगे। बहुत देर से असलम भाई के चेहरे मुबारक को देख रहे थे। और थोड़ा आगे आइए, वो लाइट जल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है बराबर। ये इधर भी लाइट आ रहा है। अब आप खान साहब के चेहरे मुबारक को देख सकते हैं। ये देखिए हमारे खान साहब हैं, बैठ गए। हमारे खान साहब के चेहरे मुबारक को देखिए। बहुत से लोग हैं जो देखने को तरस रहे हैं, बहुत खुश नसीब लोग हैं जो इनका चेहरे का दीदार करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही हैं। हर जगह इनके भोलापन है चेहरों में, इस भोलेपन से बहुत फायदा उठाते हैं। परेशानी के हाल में इस समय नहीं सर, वोट पे चूना लगे हैं। क्या बात कर रहे? ये इनका पैंट है। और कुछ बताऊं? नहीं बताऊंगा। खाए के पनवा होट लाल लाल किए, जो तूने किया कमाल बेमिसाल किया। और घंटी ना दिखाया यार, बोलते ये है घंटी। जब मैं फोन करती मैडम नहीं उठता तो ये घंटी बजाती, बहुत भयंकर घंटी बजती है। ये हमारे एसी का जगह है, अभी एसी खराब है, आज बन के आ जाएगी। हमारे जितने भी खान भाई के चाहने वाले हैं सब दुआ कीजिए हमारा प्यार हमें मिल जाए, कि इनका प्यार इनको मिल जाए और चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। आमीन। आदमी के दिल में उसके लिए नफरत पैदा। चलो अब रखा जाए, बहुत हो गया, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। जिंदगी रही तो खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। चश्मे का कमाल।